आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं और वो है सीनियर डायरेक्टर रॉयल्टी को लेकर। तो मैं आपके बीच एक पीपीटी शेयर के माध्यम से शेयर कर रहा हूं, जो आप देखेंगे और आप समझेंगे दोस्तों, और मैं आपको पढ़ के थोड़ा बताऊंगा। तो मैं शेयर करता हूं पीपीटी। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आ गया है सीनियर डायरेक्टर रॉयल्टी 2%। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, सीनियर डायरेक्टर रॉयल्टी 2%, यानी कि सीनियर डायरेक्टर लेवल पर 3 जनरेशन तक रॉयल्टी 1%, 0.5%, 0.5% है दोस्तों। सीनियर डायरेक्टर के नीचे सीनियर डायरेक्टर जो है, जो पहले सीनियर डायरेक्टर है वो लेवरेज है, उसके नीचे जो सीनियर डायरेक्टर है वो 1%, दूसरा सीनियर डायरेक्टर हो गया उसके नीचे तो 0.5%, और तीसरा हो गया उसके नीचे तो 0.5%। यहाँ पे दोस्तों, यदि सीनियर डायरेक्टर की डाउन लाइन में प्रेसिडेंट रैंक या उससे ऊपर रॉयल प्रेसिडेंट है लेवल पे आ जाते हैं, तो वो दोस्तों उसके लिए क्या है, अप्लायंस सीनियर डायरेक्टर की रॉयल्टी की जनरेशन में वह लेवल नहीं गिना जाएगा। प्रेसिडेंट या उससे ऊपर लेवल के साइड वॉल्यूम में डायरेक्टर और उसके नीचे रैंक के वॉल्यूम नहीं गिना जाएगा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं दोस्तों कि जो आपके हैं, यानी मान लो आप सीनियर डायरेक्टर हो और आपके नीचे को प्रेसिडेंट हो जाता है या रॉयल प्रेसिडेंट हो जाता है, तो आपका जनरेशन नहीं गिना जाएगा। उसके नीचे जहां जाके सीनियर डायरेक्टर होगा वहां पे आपको गिना जाएगा। तो दूसरा, अब आपके बीच आया उदाहरण के लिए कि यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर देख रहे हैं आप 1%, सीनियर डायरेक्टर देख रहे हैं आप यानी कि 0.5%, और तीसरा देख रहे हैं आप प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के 3 सीनियर डायरेक्टर लाइन से आपको तीसरा जनरेशन यानी 0.5% मिल रहा है। उसके अलावा प्रेसिडेंट के जितने भी साइड लाइन है, जो स्टार्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो या रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हो या बीडी लेग हो या एडी लेग हो या ईडी लेग हो या मास्टर लेग हो या डायरेक्टर लेग हो, इनसे रॉयल्टी नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, सीनियर डायरेक्टर रॉयल्टी 2% लेने के लिए क्या करना होगा। अब आपके पास जिनकी एक लाइन सीनियर डायरेक्टर या उससे ऊपर लेवल की है, सबसे पहले क्रिया है आपके कि पर्सनल 60 PV की परचेज करनी है। दूसरा आता है कि सीनियर डायरेक्टर अपने प्लेटून से 5400 PV का बिजनेस करना होगा। दूसरा केस, जिनकी 2 लाइन सीनियर डायरेक्टर या उससे ऊपर वाले लेवल की हैं, तो उनको सिर्फ पर्सनल 60 PV की परचेज अनिवार्य है। अब दोस्तों, कंपनी आपको इस धमाकेदार ऑफर क्या दे रहा है, यहां गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी आपको धमाकेदार ऑफर क्या दे रहा है। तो ऑफर देखते हैं दोस्तों क्या है आपके लिए डिस्काउंट। अप्रैल माह में आपका जो टारगेट था वो 5400 का था, कंपनी आपको यानी 4800 रुपए डिस्काउंट दे रहा है, और आपको जो करना है सिर्फ 600 PV का बिजनेस करना है, और 600 PV करते ही आप अप्रैल महीने की रॉयल्टी के लिए हकदार बन जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही अगर आप देखेंगे स्लिप, तो मैं आपको मई महीने में आपको 5400 करना था, मगर 4200 आपको डिस्काउंट कर रहे हैं, आपको सिर्फ 1200 करना होगा। जून महीने का आप देख रहे हैं 5400 करना था, 3400 आपका डिस्काउंट हो गया, सिर्फ 2000 करना है आपको। जुलाई महीने में 5400 करना था, 2400 आपका डिस्काउंट हो गया, आपको सिर्फ 3000 करना है। अगस्त महीने में 5400 करना था, मगर 1200 डिस्काउंट हो गया, 4200 करना है आपको। और सितंबर और उसके बाद के लिए दोस्तों आपको 5400 ही करना पड़ेगा पीवी का बिजनेस, तभी आपको रॉयल्टी मिलेंगी। तो दोस्तों, आपके पास एक सुनहरा मौका है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक, यानी कि आपके पास डिस्काउंट है। तो आप दोस्तों इसमें आप अपने एक नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, साइडलाइन खड़ा कर सकते हैं, और आप हमेशा रॉयल्टी कमा सकते हैं दोस्तों। ये आपके पास एक सुनहरा मौका है। आप एक और नीचे लाइन में देखेंगे लिखा हुआ है कि सीनियर डायरेक्टर का प्लेटून वॉल्यूम पर्सनल परचेज सीनियर डायरेक्टर लेवल से नीचे के लेवल का वॉल्यूम है वो माना जाएगा प्लेटून लाइन आपको, जो कि
स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर हो या रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हो या बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर हो या एडवाइज डिस्ट्रीब्यूटर हो या इमरॉल डिस्ट्रीब्यूटर हो या मास्टर हो या डायरेक्टर हो, ये सब आपके प्लेटो लाइन है जो कि अभी सीनियर डायरेक्टर से नीचे का लेवल है दोस्तों। तो आपको इस बात को ध्यान देनी है दोस्तों। तो मैं आपको दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी सीनियर डायरेक्टर हैं, इस महीना अप्रैल महीने के लिए लॉयल्टी लेने के लिए आपको 600 पीबी करना होगा, और जिनकी दो लाइन सीनियर डायरेक्टर है उनको सिर्फ 60 पीबी करने की जरूरी है दोस्तों, आपको रॉयल्टी मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी आपके पीछे हमने पीपीटी शेयर किया था, आप लोगों ने समझ लिए होंगे और अभी पीपीटी आपको भेज भी देंगे। तो मैं यही कहूंगा, इस महीने आप रुके नहीं, चुके नहीं, 100% रॉयल्टी क्वालिफाई करें। उसके लिए दोस्तों लगातार काम कीजिए, अपने नए डेडलाइन खोलिए और उस पे जाकर 600 पीबी का बिजनेस कीजिए और आप रॉयल्टी में क्वालिफाई कीजिए। तो थैंक यू, जय गेलवे, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।